bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. मणिपुर में सैनिक का अपहरण तलाश जारी यह 2023 मई में जो जातीय हिंसा भड़का था उसके बाद यह चौथी घटना है अपहरण का चौथा घटना है कि मणिपुर में सैनिक का अपहरण किया गया तलाश जारी है अपहरण जिसको किया गया वह जेसीओ था जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर था उसका नाम है कौनसम खेड़ा सिंह यह अपहरण हुआ आज सुबह 9 बजे जगह थौबल जिले मणिपुर चौथा अपहरण मई 2023 के बाद मणिपुर में सैनिक का अपहरण किया गया सवेरे 9 बजे चारंगपत ममांग लीकाई के रहने वाले जेसीओ छुट्टी पर थे वह रिटायर्ड नहीं थे वह एक्टिव है वह इन सर्विस है लेकिन वह छुट्टी पर हैं जब सुबह 9 बजे कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें एक वाहन में बांधकर भाग गए तो कुछ दुष्कृति उनके घर में घुसे सुबह 9 बजे का वक्त और उन्हें एक वाहन में वे लेकर भाग गए हालांकि अपहरण का कारण ज्ञात नहीं है लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि यह जबरन वसूली का मामला है जबरन वसूली यानी एक्सट्रॉशन का मामला है क्योंकि उनके परिवार को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी थी तो यह चौथी घटना मणिपुर में जहां एक जेसीओ की अपहरण की गई सूचना मिलने पर मणिपुर में जेसीओ को बचाने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां द्वारा एक समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया अधिकारियों ने बताया कि वे मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 102 पर चलने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं वह तलाशी जारी है तो यह मणिपुर में एक जवान की अपहरण मई 2023 के हिंसा के बाद यह चौथी घटना जेसीओ को बचाने के लिए पूरी तलाशी और पूरा अभियान शुरू है और राजमार्ग 102 पर सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि यह जल्द ही इनको उद्धार कर लिया जाएगा और दुष्कृतियों को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार